Morning students, today we will study from your book Woman Bird section of short stories and today we will study short story number 5, Papa Ji's Mom. It is written by Arundhati Roy who was born in 1961 and she was born in Shillong, Meghalaya, India. Presently she is living in New Delhi and she is working as an activist. And she was an architect by training who basically उन्होंने आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग ली थी बट नाउ शी इज अ नॉवेलिस्ट एंड अ स्क्रीन राइटर एंड अ एक्टिविस्ट एंड फॉर हर फर्स्ट नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच फ्रॉम विच दिस एक्सटेंट पापाजी मोर हैज बीन टेकन इज सेलेक्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1997 एंड ऑल्सो शी हैज रिसीव अवार्ड फॉर हर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन राइट कोर्सेज. Before starting the story, Papa Ji's Mom by Arundhati Roy, we discuss something about the story. This story is about Papa Ji and Mama Ji and the whole story revolves around them. In this story, Papa Ji got retirement from his service and Mama Ji was busy in his pickle business. And what happened to them and why this story is discussed about the moth, let's study the story. पापा जी मौत हम स्टोरी पढ़ते हैं. पापा जी मौत अरुंधति रॉय बाय अरुंधति रॉय. मामा जी हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स कमर्शियली सून आफ्टर पापा जी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन दिल्ली एंड केम टू लिव इन आईएमएनएम. मामा जी ने पिकल का बिजनेस कमर्शियली स्टार्ट किया था एंड पापा जी गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम हिज सर्विस इन दिल्ली एंड ही केम टू लिव टू आईएमएनएम. आईएमएनएम एक प्लेस है जहाँ पर वो रहने आ गए थे. द कोट्टयम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग अ फेयर एंड आस मामा जी टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल. और जो कोट्टयम बाइबल सोसाइटी थी उन्होंने एक फेयर ऑर्गेनाइज किया था. फेयर मीन्स मेला ऑर्गेनाइज किया था और मामा जी को जो उनकी फेवरेट क्वालिटीज़ थी फेमस क्वालिटीज़ थी बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल उन्हें बनाने के लिए कहा गया. It is sold quickly and Mama Ji found that she had more orders than she could cope up. और जो मामा जी ने जो बनाना जैम और मैंगो पिकल बनाया था इट वॉज सोल्ड एंड शी गॉट मैनी ऑर्डर्स. उसके बाद उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले जिससे उनको लग रहा था दैट शी कुड कॉप अप विथ वो उनके साथ कंप्लीट कर पाएंगी या कॉप अप कर पाएंगी पता नहीं था. Thrilled with her success, she decided to persist with the pickle and jam and soon found herself busy all year round. और she got success in her pickle and jam business और उनको बहुत ज़्यादा success मिल रही थी. So she was thrilled. वो बहुत ज़्यादा excited हो गई थी thrilled हो गई थी with the success and decided to persist. और उन्होंने ये decide कर लिया था कि उसी business को वो continue करेंगी persist करेंगी उसी पे बने रहेंगी and she was found herself busy all year around. और वो पूरे year के लिए अपने आप को उन्होंने busy कर लिया था और बिजी हो गई थी. पापा जी फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल कॉपिंग विद इग्नोमिनी ऑफ रिटायरमेंट. और पापा जी दूसरी तरफ बिकॉज ही गॉट रिटायरमेंट सो ही बिकेम इग्नोमिनी मीन्स ही ड्यू टू हिज रिटायरमेंट ही बिकेम इग्नोमिनी मीन्स परेशान हो गए थे बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो गए थे डिस्टर्ब हो गए थे परेशान होने लग गए थे बिकॉज बिफोर दैट ही वॉज बिजी इन हिज वर्क बट नाउ ड्यू टू रिटायरमेंट ही वॉज नाउ एंड ही डिड नॉट हैव एनी वर्क नाउ ही वॉज फ्री तो इसी से वो परेशान हो गए थे. और मामा जी दूसरी तरफ बिजी शी वॉज बिजी इन हर पिकल एंड जैम बिजनेस. He was 17 years older than Mamachi and realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime. और जो पापाजी थे he was 17 years older than Mamachi and he realized that now he became a very old person but his wife is still in her age, her prime age, मतलब उनकी जो वाइफ है उनसे काफ़ी ज़्यादा यंग लगती हैं क्योंकि जो मामा जी थी वो उनसे 17 years छोटी थी. दो मामा जी हैड कॉर्निकल कॉर्नियाज एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग. जो मामा जी थी उन्हें कॉर्निकल कॉर्नियाज उनकी जो
फॉलिकल कॉर्नियास मीन्स उनकी जो आइज थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड, और वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ब्लाइंड हो गई थी, उन्हें बहुत ही लेस दिखाई देता था अपनी आइज से। पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग, फिर भी जो पापा जी थे ही वुड नॉट हेल्प हर इन मेकिंग पिकल्स बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग अ सूटेबल जॉब फॉर अ हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिकॉज क्योंकि वो ऐसा कर मानते थे, ही बिलीव्ड इन द थॉट दैट पिकल मेकिंग इज अ लो रेटेड जॉब, बहुत ही लो रेटेड बिजनेस है, लो रेटेड वर्क है फॉर द पर्सन हु हैड अ वेरी हाई रैंक इन गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिनको गवर्नमेंट ऑफिशियल में बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक था, उनके लिए पिकल मेकिंग बिजनेस वॉज वेरी लो जॉब। ही हैड ऑलवेज बीन अ जेलस मैन, सो ही ग्रेटली resented the attention his wife was suddenly getting, और basically पापा जी was a jealous person, वो बहुत ज़्यादा jealous person थे, and so he greatly resented means he did not like that, उन्हें ये पसंद नहीं आता था, बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आता था कि जो उनकी वाइफ का अटेंशन है उनसे हट गया है, इट वॉज गेटिंग आउट फ्रॉम द पापा जी, उनसे हट गया बिकॉज ही वॉज अ जेलस काइंड ऑफ अ पर्सन। ही स्लॉज्ड अराउंड द कंपाउंड इन हिज इमेक्युलेटली टेलर्ड सूट्स, वीविंग सलन सर्कल्स अराउंड मोड्स ऑफ रेड चिलीज एंड फ्रेशली पाउडर्ड येलो टर्मरिक, वॉचिंग मामाजी ही सुपरवाइज द बाइंग द वीइंग द सॉल्टिंग एंड ड्राइंग। और वो जो पापा जी थे ही स्लॉज्ड, स्लॉज मीन्स बहुत ही लेजी वे में, लेजी अंदाज में वो वहाँ पे उस कंपाउंड में घूमते रहते थे, एंड ही इन हिज टेलर सूट, वो अपना सूट पहने उसमें घूमते रहते थे, हैविंग वीवन सलन सरल सर्कल अराउंड मोन्स ऑफ रेड चिलीज, और ऐसा जैसे कि वो बहुत ही रूठे हुए थे, उस चीज़ से घिरे हुए थे, बहुत ही अपसेट से फील होते हुए मामा जी के आसपास घूमते रहते थे और मामा जी को देखते रहते थे, दैट शी वॉज परचेजिंग रेड चिलीज फ्रेशली पावर्ड येलो टर्मरिक, जो फ्रेश पावर येलो टर्मरिक है वो कैसे काम कर रही है, उनके बीच में वो घूमते रहते थे, मामा जी सरप्राइज और वॉचिंग मामा जी सुपरवाइज द, और मामा जी को सुपरवाइज करते थे बाइंग बींग विंग, विंग मीन्स वेटिंग कि वे कैसे वेट करिए, कैसे सोल्टिंग डाल रही है, कैसे ड्राई करिए। सो पापा जी यूज टू मूव अराउंड मामा जी एंड वॉचिंग हर वॉट शी इज़ डूइंग इन हर वर्क, मामा जी को बेसिकली वॉच करते रहते थे कि वो अपने वर्क में क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज, कैसे लाइम्स को सुखा रही है, मैंगोज को सुखा रही हैं। एवरी नाइट ही बीट हर विद अ ब्रास फ्लावर वास, और हर नाइट को ही पापा जी यूज टू बीट मामा जी विद अ ब्रास फ्लावर वास, और जो ब्रास का फ्लावर वास था उससे वो मामा जी को बीट करते थे। द बीटिंग वरेंट न्यू, वॉट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रिक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, बीटिंग जो थी वो न्यू नहीं थी, वो मामा जी को यूजुअली बीट करते ही रहते थे, बट जो न्यू क्या था, जो फ्रीक्वेंसी जिस वे से वो मामा जी को बीट करते थे, दैट वॉज द न्यू थिंग फॉर मामा जी, बाकी बीटिंग न्यू नहीं थी, वो पापा जी एज अरोगेंट हस्बैंड उनको बीट करते रहते थे। वन नाइट पापा जी ब्रोक द बो ऑफ मामा जी वॉलन एंड थ्रू इट इन द रिवर, एंड वन नाइट व्हाट हैपेंड, पापा जी ने जो मामा जी का वायलन था, उसकी बो थी, उसको ब्रोक कर दिया, ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया और इसे रिवर में फेंक दिया, उसे नदी में फेंक दिया। देन चाको केम होम फॉर अ समर वैकेशन फ्रॉम ऑक्सफर्ड, चाको इज the son of papaji and mamaji, so chako came in the summer vacation from oxford, he had grown to be a big man and was in those days strong from rowing for balliol, aur jo चाको था वो नाउ ही हैज़ बिकम अ बिग मैन एंड इन दोज डेज ही बिकेम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही वॉज रोइंग बोटिंग करता था एंड फ्रॉम फॉर बेलियोल के लिए वो रोइंग
बोटिंग करते थे. सो ही नाउ ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी बिग पर्सन, चाकू द सन ऑफ पापाजी एंड मामाजी. अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापाजी बीटिंग मामाजी इन द स्टडी. व्हेन ही रीच टू द होम आफ्टर वन वीक ही सीन दैट पापाजी वॉज बीटिंग मामाजी इन द स्टडी. चाको स्ट्रोड इन टू द रूम, कॉट पापाजी स्वास हैंड एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक. और जो चाको था वो स्ट्रोड मीन्स एकदम से वो रूम में जाता है. Suddenly he goes into the room and he caught the hand of the papaji's and he twisted the hand of papaji around its back. और वो पापाजी का हैंड जो है मोड़ देता है. I never want this to happen again, he told his father ever. And जो चौको होता है वो अपने फादर पापाजी से बोलता है that he did not want that he should beat her his mother. वो नहीं चाहता कि पापा जी उनकी मदर को मारें और वो ये नहीं चाहते कि वो दोबारा इसे देखें. फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे पापा जी सेट इन द वरांदा एंड स्टेड स्टोनली आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचू मारिया ब्रॉट हिम. और उसके बाद पूरे दिन भर आफ्टर व्हेन चोको स्टॉप्ड हिम बीटिंग मामाजी आफ्टर दैट पापाजी सेट इन द वरांडा में बैठ गए एंड स्टेड स्टोनली मतलब एक पत्थर से जड़ बन के बैठ गए, घूरते रहे अपने ऑर्नामेंटल गार्डन को. ऑर्नामेंटल मीन्स जो उनका गार्डन डेकोरेटेड था फ्लावर्स से, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स से, उससे सिर्फ एक पत्थर बनकर घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे. Ignoring the plates of food, even he did not have a food. He was ignoring the food which was Kochu Maria brought for him. Late at night, he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair. और late at night, he went into his study. वो अपनी study में जाते हैं और वहाँ से उनकी जो favorite chair है, rocking chair, जो moving chair है, जो कि mahogany wood से बनी हुई है. mahogany wood होती है, एक wood का type होता है, उससे बनी हुई है, उसे लेकर आते हैं. He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with the plumber's monkey wrench. और वो उसे बीचों बीच वहाँ पर रख देते हैं और उसे स्मैश्ड कर देते हैं इंटू लिटिल पार्ट्स, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं विद द प्लम्बर्स मंकी रेंच. जो प्लम्बर्स का मंकी रेंच एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो उसे ब्रेक कर देते हैं अपनी महोगनी रॉकिंग चेयर को. ही लेफ्ट इट देयर इन द मून लाइट अ हीप ऑफ वैनिश्ड विकर एंड स्प्लिंटर्ड वुड. एंड ही लेफ्ट द ब्रोकन वुड चेयर, जो वो उस वहीं पर उस चेयर को छोड़ देते हैं जो वो कि वो तोड़ चुके थे, ब्रोकन कर चुके थे. एंड हीप ऑफ वार्निश्ड वीकर, और जो उसका जो ढेर वहीं वीकर मीन्स टूटी फूटी सी जो वो चेयर थी उसको वहाँ पे उसका ढेर लगा हुआ है उसे वहीं छोड़ देते हैं. स्प्लिंटर्ड एंड स्प्लेंटर्ड वुड, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पीसेस में उन्होंने तोड़ दिया था. ही कैप्ट दैट वुड दैट चेयर विच ही हैज़ ब्रोकन इन स्मॉल पार्ट्स स्मॉल पीसेस, ही कैप्ट इट देयर इन द वरांडा इन द मूनलाइट. उसे वो वरांडा में मूनलाइट में वहीं उसके ढेर को, टूटे फूटे ढेर को छोड़ कर आ जाते हैं. ही नेवर टच्ड मामाजी अगेन. इसके बाद ही पापाजी नेवर बीटेड मामाजी. उसके बाद पापाजी ने कभी मामाजी को बीट नहीं किया. बट ही नेवर स्पोक टू हर एदर एज लॉन्ग एज ही लिव. लेकिन वो उनसे उन्होंने उनसे बात भी नहीं करी. ही डिड नॉट स्पीक टू हिम इवन टिल हिज डेथ. उनकी जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने मामाजी से बात नहीं करी. वैन ही नीडेड एनी थिंग ही यूज्ड कोचू मारिया और बेबी कोचमा एज इंटरमीडिएटर्स. और जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही यूज़ टू कॉल कोचू मारिया और बेबी कोचमा एज इंटरमीडिएटर्स. और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो कोचू मारिया और कोचमा को इंटरमीडिएटर्स के रूप में, मतलब इंटरमीडिएटर्स जो बीच में जो वर्क करें, बिचौलिए के रूप में जो काम करें उसे कहते हैं, उन्हें कॉल करते थे.
In the evening, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that weren't missing onto his shirt to create the impression that Mamaji neglected him. Or in one evening, when he was expecting visitors, और वो visitors को guest को expect कर रहे थे, तो वो वरांडा में बैठ जाते हैं and sew buttons means buttons सिलने लग जाते हैं, जैसे and that were not missing onto the shirt, जो कि shirt पे से miss नहीं थे, buttons okay थे, but only to create the impression, only to show that Mamaji is not doing the work of Papaji. बस ये show off करने के लिए कि Mamaji Papaji का कोई work नहीं कर रही है, Mamaji Papaji को neglect कर रही है, इसे show करने के लिए वो बटन स्यू करने लग जाते हैं, जबकि वो टूटे हुए नहीं होते हैं. टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर कोडिंग आइमेनम्स व्यू ऑफ वर्किंग वाइफ्स. और कुछ एक्सटेंट तक, कुछ डिग्री तक वो आईएमएनएम्स के जो पीपल थे उनके माइंड में ये पॉइंट डालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो वर्किंग वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड की तरफ ध्यान नहीं देती हैं. ये उनके माइंड को कोडिंग में खुरचने या ये चीज़ डालने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट वर्किंग वाइफ्स आर नॉट डूइंग वर्क ऑफ देयर हस्बैंड. He brought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Munnar. He became a familiar sight in I&M, coasting importantly down the narrow road in his white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. And he bought the sky blue Plymouth. और ये sky blue Plymouth. Plymouth is a city, port city in Devon, England. जी Plymouth एक सिटी है इंग्लैंड में, Devon में. वहाँ से परचेस किया हुआ एक इंग्लिश मैन का जो सूट था वो लेकर आते हैं. ही बिकेम अ फेमिलियर साइट इन I&M, और एक वो फेमिलियर पर्सन थे I&M के लिए, और वहाँ उसके लिए उसकी साइट्स, उसके वहाँ की जो स्पेस प्लेस था उससे पूरी तरह फेमिलियर थे. He was coasting importantly down the narrow roads in his white car. और वहाँ पर उसकी जो I&M की जो narrow roads हैं उसमें वो अपनी बड़ी सी गाड़ी को चला रहे थे, जो कि उस सूट को पहनते हुए जो कि वो Plymouth से लेकर आए थे. लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट, जो कि बाहर से तो एलिगेंट शो हो रहा था, बहुत गुड लुकिंग लग रहा था, बट ड्यू टू हॉट इट वॉज स्वेटिंग इन साइड हिज वुलन शॉर्ट, और जो कि अंदर उसको बहुत ही स्वेटिंग फील हो रही थी ड्यू टू हिज वुलन सूट. ही वुड नॉट अलाउ मामाची और एनी वन एल्स इन द फैमिली टू यूज़ इट और इवन टू सिट इन इट. और जो जिस जो वाइट कार जो कि वो Plymouth और ओल्ड इंग्लिश मैन मुनार से उन्होंने परचेस करी थी, उसे फैमिली में किसी को यूज़ नहीं करने देते, इवन दो ही डिड नॉट अलाउ मामाची एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टू सिट इन दैट कार. द Plymouth वॉज पापाजी स्विमर. जो Plymouth जो यू कैन से अ काइंड ऑफ कार विच ही परचेज फ्रॉम इंग्लैंड इज वॉज हिज रिवेंज दैट ही वॉज नॉट अलाउंग एनी वन टू सिट इन द कार. पापाजी हैड बीन एन इम्पेरियल एंटोमोनोलॉजिस्ट एट द पूजा इंस्टीट्यूट. और जो पापाजी थे वो एक एंटोमोनोलॉजिस्ट थे, जो कि एंटोमोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट हु द पर्सन हु इज स्टडिंग इंसेक्ट्स, उसकी इंसेक्ट्स की स्टडी करने वाले पूसा इंस्टीट्यूट में वर्क करते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज फ्रॉम इंपेरियल एंटोमोनोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोनोलॉजी. और जब ब्रिटिश रूल फिनिश हो गया, ब्रिटिश लेफ्ट फ्रॉम द कंट्री, हिज डेजिग्नेशन वॉज चेंज फ्रॉम इम्पीरियल एंटोमोनोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोनोलॉजी. और जो उनकी जो पोस्ट थी वो बढ़ गई थी, वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए थे एंटोमोनोलॉजी के, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं. द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइजन टू अ रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर. और जिस ईयर वो रिटायर्ड हुए थे हिज पोजिशन वॉज इक्विवेलेंट टू द डायरेक्टर. और उनकी जो पोजिशन थी, जो रैंक थी, वो डायरेक्टर के इक्वल ही थी. हिज ग्रेटेस्ट सेटबैक वॉज नॉट हैविंग हैड द मौत दैट ही हैड डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर हिम.
और उनकी जो लाइफ है, पापाजीज लाइफ, ग्रेटेस्ट सेटबैक, सबसे बड़ा जो सेटबैक था, सबसे जो उनकी लाइफ का उन्हें दुख था, प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि जो मौत एक बटरफ्लाई की तरह ही इंसेक्ट होता है, बट इसके विंग्स जो फ्लैट होते हैं, उसे जिन्होंने उनको डिस्कवर किया था, जो पापा जी ने उन्हें जिन्होंने उनको डिस्कवर किया था, उनका नाम उसे नहीं मिला था। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक, दुख यही था कि जिस मौत को उन्होंने डिस्कवर किया, उसका नाम उन्हें नहीं मिला। It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of a rest house after a long day in the field. अब ये चीज़ डिस्कस की जा रही कि वो इंसेक्ट उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, उस मौत को कैसे डिस्कवर किया था। So one day it fell into the drink one evening while he was sitting in the veranda of a rest house after a long day in the field. One evening he was sitting in the veranda of the rest house and after a long day in the field. एक दिन उनकी ड्रिंक में एक कुछ गिर गया जबकि वो बरामदा में बैठे थे अपने रेस्ट हाउस में। As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts. और जैसे ही उन्होंने उस इंसेक्ट को अपनी ड्रिंक में से निकाला, ही टेक इट आउट फ्रॉम हिज ग्लास ड्रिंक, ही नोटिस दैट इट वॉज अ अनयूजल, वो एक अनोखा सा अनयूजल सा एनिमल इंसेक्ट था, विच इज हैविंग अ डेंस डोर्सल टफ्ट्स। डेंस डोर्सल टफ्ट्स मीन्स बहुत ही ज़्यादा घने गहरे जो उसके पंख थे, बहुत ही ज़्यादा मोटे से पंख थे उसके, बहुत ही थिक उसके फैदर्स थे। डेंस डोर्सल टफ्ट्स मीन्स बहुत ही ज़्यादा डेंस, बहुत घने उसके मोटे से पंख थे। ही टुक अ क्लोजर लुक विथ ग्रोइंग एक्साइटमेंट, ही माउंटेड इट एंड ही हैज़ टेकन क्लोजर लुक बिकॉज ही वॉज एन एंटोमोनोलॉजिस्ट, वो एक एंटोमोनोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने उसको अच्छे से ध्यान से देखा एंड विथ एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट, और उसको उन्होंने उसकी स्टडी करने लग गए, उसको उठाया, मेजर्ड इट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर द एल्कोहल टू एवोपरेट। और उन्होंने उस इंसेक्ट को उठाया और उसको मेजर किया, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको सन में प्लेस किया फॉर फ्यू आवर्स फॉर द अल्कोहल टू एवोपरेट, उस अल्कोहल को रिमूव करने के लिए जो उसके शरीर उसके ऊपर लग गया था, टू एवोपरेट इट, टू रिमूव इट, उससे ताकि वो धूप में वाष्पित हो जाए, हट जाए। देन ही कॉट द फर्स्ट एंड बैक टू दिल्ली एंड देन ही टुक दैट इंसेक्ट टू द टैली टू टैक्सोनॉमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम एंड टू टैक्सोनॉमिक मीन्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड अटेंशन पाने के लिए ये उन्हें दिल्ली ले गए। आफ्टर सिक्स अनबियरेबल मंथ्स ऑफ एंग्जाइटी टू पापाजी इंस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट, ही वॉज टोल्ड दैट हिज मौत हैड फाइनली बीन आइडेंटिफाइड एज अ स्लाइटली अनयूजल रेज ऑफ अ वेल नोन स्पाइसिस दैट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल फैमिली लाइमन ट्रीडे। और आफ्टर सिक्स मंथ की अनबियरेबल एंग्जाइटी टेंशन परेशानी, जो सिक्स मंथ की टेंशन के बाद पापा जी को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जो उन्होंने मौत डिस्कवर किया था उसके बारे में कहा गया कि इट वॉज अनयूजुअल रेस, वो एक अनोखी रेस तो है, बट उसकी जो स्पाइसेस, उसकी जो प्रजाति है, स्पाइसेस मीन्स कैटेगरी या उस प्रजाति है, वो अच्छी, वो वेल नोन प्रजाति है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बस उसी कैटेगरी की वो डिफरेंट रेस है, उसी कैटेगरी की डिफरेंट इंसेक्ट है, एंड दैट इट बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल फैमिली। ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय फैमिली से बिलोंग करती है इन अ लाइमेंड्री प्लेस पे। द रियल ब्लो केम 12 ईयर्स लेटर, और रियल जो प्रॉब्लम थी वो 12 ईयर्स बाद में सामने आती है, व्हेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिकल टैक्सोनॉमिक रीशफल,
lepidopterist decided that Papaji's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. और रियल जो प्रॉब्लम है वो 12 इयर्स बाद में आती हैं, जब रेडिकल मीन्स इस यूनिक, रेडिकल मीन्स यूनिक जो विलक्षण ये जो प्रजाति थी, जो मोथ जो उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके क्लासिफिकेशन को रीशफल किया जाता है, मतलब जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी के लिए दोबारा स्टडी किया जाता है, उस कॉन्सिक्वेंस को के अंतर्गत उन्हें पता चलता है जो लेपिडोप्टेरिसिस थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो पापाजी ने मोस्ट जो डिस्कवर्ड किया था वो एक सेपरेट स्पाइसेस थी और जीनियस स्पाइसेस थी जो कि साइंस के लिए अननोन थी उससे पहले. सो रियल प्रॉब्लम केम फ्रॉम दैट कि जो इंसेक्ट पापाजी ने डिस्कवर किया था उनका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला था और उनकी डिस्कवरी के 12 इयर्स बाद ये डिसाइड किया गया कि ये एक यूनिक कैटेगरी थी. बाय देन ऑफ कोर्स पापाजी हैड रिटायर्ड एंड मूव टू IMNM और तब तक पापाजी रिटायर्ड हो चुके थे एंड ही हैज़ कम टू IMNM. तो जो कैटेगरी डिसाइड हुई थी अनयूजुअल यूनिक अननोन टू साइंस, इट वॉज आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पापाजी. इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एसेट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी और ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था टू क्लेम ऑन द डिस्कवरी और वो रिटायर हो चुके थे इसलिए वो इस डिस्कवरी का लिए क्लेम करने के लिए बहुत लेट हो चुके थे. हिज मोथ वॉज नेम आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोनोलॉजी, अ जूनियर ऑफिसर हुम पापाजी हैड ऑलवेज डिसलाइक. और उस मोथ का नेम उस समय के एक्टिंग डायरेक्टर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोनोलॉजी मोनोमोलोजी के थे, उस टाइम के एक्टिंग डायरेक्टर जो कि पापाजी से जूनियर ऑफिसर थे जिसे कि पापाजी हमेशा डिसलाइक करते थे, उनके नाम पर रख दिया गया. सो इट वाज ग्रेट ट्रेजेडी फॉर द पापाजी कि जिस मौत को पापाजी ने डिस्कवर किया उसका नाम उनके जूनियर ऑफिसर को दे दिया गया, उनके जूनियर ऑफिसर के नाम पर उस मोथ का नेम रखा गया जबकि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पापाजी. इन द ईयर्स टू कम इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर्ड द मोथ, पापाजीज मोथ वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्लैक मूड एंड सडन बाउट्स ऑफ टेम्पर. और कमिंग ईयर्स इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड, वो बहुत ज़्यादा इल ह्यूमर्ड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए थे. इल ह्यूमर्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करने लग गए थे. ही डिस्कवर्ड द मोथ, वो उन्होंने डिस्कवर करने से पहले ही बहुत ज़्यादा इल ह्यूमर्ड रूड हो गए थे. देन ऑल्सो पापाजी मोथ वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्लैक मूड्स, फिर भी जो पापाजी का जो मोथ जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसे उनके ब्लैक मूड्स के लिए, मतलब उनके ख़राब मूड्स के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाने लगा कि जिस मौत को पापाजी ने डिस्कवर किया था उसका क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया जबकि वो इससे पहले ही रूड हो चुके थे. एंड सडन बाउट्स ऑफ टेम्पर मीन्स शॉर्ट टेम्पर, और जो वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे उसके लिए उस मौत को रिस्पॉन्सिबल माना जाने लगा था. इट्स पर्निशियस गॉस ग्रे फरी विथ अनयूजुअल डेंस डोर्सल टफर्स हॉन्टेड एवरी हाउस दैट ही एवर लिव्ड इन. और जो उसका पर्निशियस जो गॉस था, जो उस मौत को जो उन्होंने डिस्कवर किया था, पर्निशियस मीन्स हैविंग ट्रबल, जो परेशान करने वाला था, जो ट्रबल पहुंचाने वाला था, जिसका जो ग्रे फरी और अनयूजुअल डेंस डोर्सल टफर्स था, जो उसके घने मोटे पंख थे, वो उस मौत का गॉस्ट उस हाउस को हॉन्टेड कर रहा था जब तक कि वो उस घर में रहे. इट टॉर्मेंटेड हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, और ये चीज़ वो उनको भी परेशान किया, उनके चिल्ड्रंस को भी किया, उनके चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन को भी परेशान करती थी कि पापाजी वॉज वेरी मच अटैच विद दैट मौत एंड हिज क्रेडिट वॉज नॉट गिवन टू हिम एंड ही द होल हाउस वॉज सराउंडेड विद द थॉट अंटिल द डे ही डाइड. इवन इन द स्टिफिंग IMNM हीट एवरी सिंगल डे पापाजी वोर अ वेल प्रेस्ड थ्री पीस सूट एंड हिज गोल्ड
पॉकेट वॉच जब अनटिल द डे ही डाइड, जिस दिन वो उनकी डेथ हो उस दिन भी वो स्टिफलिंग मिस बहुत ही ज़्यादा जो टबल दम घोटने वाली सफोकेटिंग जो हीट थी IMNM में, एवरी सिंगल डे पापा जी यूज़ टू वियर वेल ड्रेस्ड 3-piece सूट विथ हिज गोल्ड पॉकेट वॉच। इस दम घोटने वाली सफोकेटिंग हीट में भी एवरी डे टिल हिज डेथ पापा जी यूज़ टू वियर 3-piece सूट एंड हैविंग अ गोल्ड वॉच इन हिज पॉकेट। और वो 3-piece सूट पहनते थे इतनी सफोकेटिंग हीट में भी, और उसके साथ अपनी गोल्ड पॉकेट वॉच रखते थे टिल ही डाइड, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी उस दिन तक भी। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू कोलोंग एंड सिल्वर हेयर ब्रश ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ यंग मैन विथ हिज हेयर स्लिक्ड डाउन। और ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू कोलोंग, जो उनकी जो और उनकी ड्रेसिंग टेबल पे जो कि उन्होंने कोलोंग इज अ सिटी और प्लेस इन जर्मनी, कोलोंग इज अ सिटी और लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी, वहाँ से एक ड्रेसिंग टेबल उनकी ड्रेसिंग टेबल पे कोलोंग से ली हुई एक सिल्वर हेयर ब्रश एंड ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ यंग मैन, उनकी ड्रेसर टेबल पे कोलोंग में ली हुई सिल्वर हेयर ब्रश और उस वहाँ पे खींची हुई पिक्चर एज अ यंग पर्सन की वो रखते थे विथ हिज हेयर स्लिक्ड डाउन टेकन इन अ फोटोग्राफर्स स्टूडियो इन वियना, जो कि जो वो यंग पर्सन की जो फोटो है उनकी वो वियना में एक फोटोग्राफर द्वारा ली गई थी जिसे कि वो अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखते थे। तो वो कोलोंग में जो उन्होंने सिल्वर हेयर ब्रश परचेज किया था और उसके और जो उनकी फ़ोटो एज अ यंग पर्सन खींची गई थी वियना में, ही यूज़ टू कीप इट ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल वेयर ही हैड डन द 6-month डिप्लोमा कोर्स दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। और जो वो वहाँ पे अपने 6-month डिप्लोमा कोर्स के लिए गए थे जो कि उन्होंने क्वालिफाइड किया था, जिसके बाद उन्होंने उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए थे इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई हुए थे, जहाँ पर कोलोंग में वो जर्मनी में 6-month का डिप्लोमा कोर्स किया था और वियना में उन्होंने एज ए यंग पर्सन अपनी वह पिक्चर फोटोग्राफ खिंचवाई थी। इट वॉज ड्यूरिंग दी दोज फ्यू मंथ्स दे स्पेंड इन वियना दैट मामाजी टुक हर फर्स्ट लेसन ऑन द वायलिन, और उन फ्यू मंथ्स में मामा जहाँ पर पापा जी ने वियना में स्पेंड किए थे ड्यूरिंग दैट टाइम मामाजी लर्न द हैव टेकन द फर्स्ट लेसन ऑन द वायलिन, उसी समय मामाजी ने वायलिन के अपने लेसन्स लिए थे जबकि पापाजी वियना में अपनी कोर्स के लिए गए थे। द लेसन्स वर एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड विद मामाजीज टीचर लॉन्स्की टीफेंटथल मेड द मिस्टेक ऑफ टेलिंग पापाजी दैट हिज वाइफ वॉज एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्ट क्लासेस, और उनके जो लेसन्स हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे क्योंकि उनके मामाजीज टीचर जो लॉन्स्की टीफेंथल थे उन्होंने बाय मिस्टेक पापा जी को कह दिया था कि उनकी जो वाइफ है हिज वाइफ इज़ एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं और शी इवन कैन टेक अ कंसर्ट क्लासेस, जो कंसर्ट होते हैं उन क्लासेस के लेने के लिए भी उनमें पोटेंशियल है कैपेबिलिटी है इतनी वो टैलेंटेड है। उसके बाद से पापा जी ने मामा जी की क्लासेस वायलिन क्लासेस बंद कर दी थी। मामाजी पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फॉर द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पापाजीज डेथ, और मामाजी ने अपनी जो फैमिली फोटोग्राफ की एल्बम थी उनमें उसमें जो पापाजी की डेथ की जो क्लिपिंग्स थी इंफॉर्मेशन थी जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आई थी उसे पेस्ट कर दिया था।
it was written on the noted entomologist Sri Benham John Ipe, son of late Rev E. John Ipe of M&M, popularly known as Punan Kanju, suffered a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night. जिसमें ये लिखा गया था कि जो पापा जी हैं उनका real name क्या है और उनके फादर का नेम क्या है और कैसे उनकी डेथ हुई. ही डेवलप चेस्ट पेन अराउंड 1:05 AM एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल एंड द एंड केम एट 2:45 AM एंड वो जो उनकी जो उनको चेस्ट पेन हुआ था 1:00 AM एट नाइट AM एंड ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल एंड ही वॉज डेड एट 2:45 AM कि जो मिड नाइट को उनकी डेथ हो गई थी. श्री आईपे हैड बिन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 मंथ और जो श्री आईपे थे उनकी वो 6 मंथ से अपनी जो हेल्थ के लिए लेकर प्रॉब्लम में ही थे. ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सोचम्मा एंड 2 चिल्ड्रन और जो उनकी वाइफ थी उनका नाम मामाची जिनका नाम सोचम्मा था वो उनके चिल्ड्रन पीछे छोड़ के गए. तो यहाँ पे वो डेथ जो नोटिस निकाला गया तो उसको मामाची अपनी फैमिली फोटोग्राफ एल्बम में पेस्ट कर देती हैं. एट पापाचीज फ्यूनरल मामाची क्राइड एंड हर कॉन्टेक्ट लेंसेज स्लाइड अराउंड इन हर आइज और जो पापा जी की फ्यूनरल पे मामा जी बहुत ज़्यादा क्राई करती हैं और जो उनके कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं वो आँखों से निकल जाते हैं. अमो टोल्ड द ट्विंस दैट मामाची वॉज क्राइंग मोर बिकॉज शी वॉज यूज टू हिम देन बिकॉज शी लव्ड हिम एंड जो अमू हैं वो अपने ट्विंस से कहती हैं कि मामाची वॉज क्राइंग That's why she is crying because she was used to him. She was used to the beating of पापाजी. वो पापाजी की इतनी habitual हो चुकी थी जो पापाजी उनके अराउंड जब वो पिकल बिजनेस करती थी तो वो इधर उधर घूमते रहते थे उसकी ज़्यादा used to हो गई थी rather than she loved him. उसने इतना लव प्यार नहीं करती थी जितना कि उनकी used to हो गई थी habitual हो गई थी. She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time. वो इस चीज़ के लिए used to हो गई थी कि slouching जो पापा जी थे उनके आसपास बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे slouching करते रहते थे in the pickle factory and used to beat हर फ्रॉम टाइम टू टाइम और जो मामा जी को टाइम टू टाइम बीट करते रहते थे. अमू सेड दैट ह्यूमन बींग्स वर क्रीचर्स ऑफ हैबिट एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज टू एंड शी अमू टेल्स दैट कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हैबिट्स के प्राणी होते हैं आदतों के प्राणी होते हैं. उन्हें कुछ ना कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है और उनके हैबिचुअल हो जाते हैं जिसे वो छोड़ नहीं सकते. इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज टू एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग दैट कि उन चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं. यू ओनली हैड टू लुक अराउंड यू अमू सेट टू सी दैट बीटिंग विद ब्रास वासेस वर द लीस्ट ऑफ दैम and you can only look around and you can see that कि जो beating थी brass वासे से वो तो बहुत ही कम थी. बस आप उन चीज़ों के लिए habitual हो जाते हैं जो आपकी routine में होती हैं या habitually होती हैं. so this story is about the पापाचीज अरोगेंस कि पापा जी कैसे अरोगेंट पर्सन थे कैसे अपने हैबिचुअल थे अपने अरोगेंस को लेकर अपनी रेपुटेशन को लेकर और बाकी सभी चीज़ों को वो अपनी जो डिग्निटी से बिलो मानते थे. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द पापाची एंड मामाची एंड पापा वाई ही सो डिस्टर्ब पापा जी सो डिस्टर्ब ड्यू टू हिज बिकॉज ही डिड नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ द मौत विच ही डिस्कवर्ड. सो जिस मौत को उन्होंने डिस्कवर किया था उनका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला था. इट वॉज पेनफुल फॉर हिम. सो आई होप दैट कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी.